मंदसौर के बादरपुरा में टेम्पो रिक्शा से चोरी करने गया और लोगों ने पकड़ा की जमकर पिटाई, बांधा रस्सी से किया पुलिस के हवाले। मंदसौर के वार्ड क्रमांक 35 मदारपुरा के पास बादरपुरा पुलिया की यहां आज सुबह दो व्यक्ति चोरी की नियत से आए और मंदसौर के वार्ड नंबर 35 में बने सरकारी शौचालय के लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को सूचना दी और बाद में लोगों ने पकड़ कर जमकर दोनों की पिटाई की। मौके पर एक चोर भाग गया और एक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने टेम्पो रिक्शा से रस्सी बांधकर चोर को बांध लिया और कोतवाली पुलिस के हवाले किया। टेम्पो रिक्शा के अंदर दो लोहे के दरवाजे चोरी करे हुए भी लोगों ने मौके पर ही पकड़े। लगभग दो महीने से क्षेत्र में चोरी हो रही है। लोगों ने तुरंत कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी को सूचना दी, जिसके बाद दो जवान मौके पर पहुंचे और रस्सी खुलवाकर चोरों को कोतवाली थाने पर ले गए। आगे की पूछताछ कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। लोगों ने वार्ड पार्षद पति को सूचना दी, जिसके बाद लोगों ने जमकर चोर की पिटाई की और बताया कि 7 से 8 लोगों की टीम है। यह लोग गिरोह बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और यहाँ पर पहले भी पानी की मोटर एवं टू व्हीलर गाड़ी एवं खिलाड़ियों की साइकिल भी चोरी कर ली गई है। वार्ड के लोगों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कोतवाली पुलिस से मांग की है कि ऐसे लोगों को कठोर सजा होनी चाहिए एवं जो चोरी किया गया सामान है उसको वापस दिलाना चाहिए। और लोगों में काफ़ी आक्रोश भी नज़र आया है और चोर को रस्सी से बांध कर लगभग 1 घंटे तक वहीं पर बिठा कर रखा और उसके बाद कोतवाली पुलिस के हवाले किया। आए दिन मंदसौर में चोरी की घटनाएं आम बात हो चुकी है। टेम्पो लेके आए यहाँ से और ये स्लोप कॉम्प्लेक्स था, यहाँ से दरवाजे तोड़ के ले जा रहे थे टेम्पो में रख के, तो यहाँ की जनता ने इसको पकड़ लिया और बंधक बना लिया। फिर उसके बाद मंदसौर कोतवाली में फ़ोन करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उसको ले जा रही है। तो क्या चोर भागे नहीं उसको लेकर क्या करा? बांध के रख रखा है इसको, बांध के नहीं इसके टेम्पो के साथ बांध दिया इसको। हाँ। और इसके साथ वाले एक और आदमी था वो भग गया। क्या क्या मिला चोरी का आइटम इसके पास? ये यहाँ से लेटरिन बाथरूम के दो दरवाजे तोड़ के ले जा रहे थे और हम सब ने मिलकर इसको पकड़ा है। और एक पहले एक बाइक भी यहाँ एक रास्ते में रखी थी, रात को भारी रखी थी उनके घर में चढ़ाने के जैसे, जो उसका भी लाख तोड़ के चल गए और लेके नहीं जा पाए, स्टार्ट नहीं हुई। आए दिन चोरी होती है, आए दिन यहीं पे चोरी होती है। और पहले इसकी टंकी भी सोलो कॉम्प्लेक्स की टंकी पानी की वो भी लेके गए और लाइटें लग रही थी, लाइटें भी लेके गए। ये ऑटो रिक्शा लेके आए चोरी करने के लिए, इतने VIP हो गए चोरी करने के लिए भी। ये हमारा जो क्षेत्र है यहाँ आए दिन चोरियाँ होती रहती है सर, और हम मैं स्पोर्ट्स में हूँ और मेरी जो साइकिल है 2 बार चोरी हो गई है। और इसी तरह के आसपास के मदारपुरा क्षेत्र के चोर है ये लोग और इनकी एक टीम बनाकर काम करती है सर, और एक के बाद हमारे यहाँ लगातार चोरियाँ का जो प्रक्रम है वो जारी है और अभी भी चोरी हुई है। आपके सामने हमने पकड़ा है और कोशिश हम हर बार करते हैं पकड़ने की, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाता और इस बार सफल हुआ है। 2 बार मेरी साइकिल चोरी हो गई है। हाँ सर, मारपीट नहीं करी उसके साथ, तो उसको अच्छे से पकड़ के और यही बांध के रखा था और पुलिस के हवाले किया हमने। क्या चाहते हैं कि जो सामान जो चोरी हुआ मिलना चाहिए वापस? हाँ सर, यही चाहते हैं सामान मिल जाए और हमारे साथ जो हुआ है उसके लिए ऐसा किसी के साथ नहीं हो, ऐसा पुलिस प्रयास करे। क्या नाम आपका? ये वार्ड क्रमांक 35 बादरपुरा है। यहाँ लगभग 2 महीने से चोरी हो रही है। इनकी पूरी टीम है, इनका पूरा ग्रोह है। ये 7-8 जनों की टीम है और मुझे सूचना मिली, दीपक करके एक मेरा कार्यकर्ता है, उसका फ़ोन मेरे पास आया, बोले भैया आप कहाँ हो, ये यहाँ पर चोरी हो रही, दरवाजे खोल रहे हैं अपने जो सुलभ शौचालय बनाया सार्वजनिक उसका दरवाजे खोल रहे हैं, 2-3 लोग हैं उस दरवाजे को तोड़ लिया उनको। फिर मैं तुरंत यहाँ आया, देखा गया तो लोगों ने यहाँ मार कूट के उसको बिठा रखा था, पकड़ रखा था। मैंने तत्काल प्रभाव से पुलिस अपने TI साहब को सूचना करी और फिर 2 पुलिस वाले आए और उसको पकड़ के ले गए। और बरामद हुआ काय से आया था चोरी करने? ये टेम्पो से आए थे और उस टेम्पो में 2 दरवाजे इन्होंने रखे और 4 दिन लगभग 4 दिन पहले ये 5 मोटर भी चोरी करके ले गए गांव की। कितने लोग थे वो चोरी करने वाले? ये दो लोग थे ये, और एक तो भाग चुका है और एक ये अपना फारूक नाम है इसका, और ये मोहम्मद फारूक, और ये मतलब स्मैकची भी है, झंडू है ये कुल मिला के, और इन झंडुओं की पूरी टीम है यहाँ की और ये पूरा ग्रोह चल रहा है इनका। और इन पे हम TI साहब से भी ये मांग करते हैं कि यार वार्ड की तरफ से कि यार इन गुमरों को जल्दी पकड़ा जाए और इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं तो कल से आज नहीं तो कल बड़ा हादसा हो सकता है। आज मोहल्ले से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति यहाँ पे चोरी का प्रयास कर रहा है, उस सूचना पर वहाँ हमारी टीम गई थी और उस व्यक्ति के बारे में बताया कि दरवाजे को निकालने का प्रयास या खड़ा हुआ था, तो उसको लेकर आए थे। अभी कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की जानकारी मिलती है तो वैसी कार्रवाई कर देंगे, उसका प्रयास मिलता है तो वैसी कार्रवाई करते हैं।